हर परिवार वाले ये आशा करते हैं कि लड़के की शादी में दान दहेज मिलेगा, बहू आएगी तो घर का काम काज करेगी, बच्चों का लालन पालन करेगी, पर आज की नौजवान लड़कियां इस सब के साथ साथ और भी कुछ करना चाहती हैं। सुना है तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी मास्टर नहीं है? हाँ है तो। हाय राम, बहू आपकी सेवा करेगी या आप बहू बेटों की चाकरी करेंगी? और तो और, लड़की ने तो यहाँ तक कह दिया था कि दहेज देने वाले से ब्याह नहीं करने की। बहनों संभल कर रहना, ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ आज तो दिल्ली पार कर रही, कल को तो ये चौका चुल्ला भी अलग करके बैठेंगे अपना। हाँ जो भाग में होगा वो भोगेंगे। तो इस घर में कोई सुने ना है, घर में ही कोई काम की कमी थोड़ी है जो बहू बाहर जाके काम करने की जरूरत पड़े। नुई कार में क्यों बड़बड़ करे जा रही है? मैं तो कहता हूं इब तू शांति से बैठ माला जब बस। मैं जरा खेत पे जा रही हूं। लाइए माँ जी, मुझे दे दीजिए, मैं हो गया। राम राम बहना। राम राम सत्तों की माँ, आओ। आज कैसे सवेरे सवेरे मुँह लटका बैठी बहन? पानी आ गई चाची? साई जी तारे स्वागन रहे, भगवान थारी जोड़ी बनाए। आओ बैठ। क्या बताऊं सत्तों की माँ, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप की कुछ सुने ही ना। अरे क्या हुआ? अब बहू को ही देखो, नौकरी की जिद करे पकड़ी है। यू क्या, नौकरी भी करूंगी और बुढ़ापे में तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगी, पर स्कूल तो जाऊंगी ही जाऊंगी। तुम तो बहुत भगवान है जो तुम्हें ऐसी कामकाजी बहू मिली। तुम ऐसी क्या जिद पकड़े जा रही है? लो चाची, छाछ ला रही हूं, सुबह की ताजी है। सारा घर का कामकाज निपटा लिया? हाँ चाची, स्कूल जो जाना है सो सुबह ही जल्दी उठ के सब निपटा लेती हूँ, वरना माँ को पीछे से हैरानी होगी। एक बात कहूं बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत फुर्तीली है, मेरी बहू तो दोनों रात के बर्तन मांज रही। अच्छा माँ, स्कूल जाओ। अच्छा चाची, माँ तुम थोड़ा लेट लेना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हारी बहू तो सुलक्षणी है। सो तो ठीक है सत्तों की माँ, पर तुम्हारी बहू ने तो
दान दहेज से सारा घर भर दिया। अब मेरी तो कसम ले लो जो एक टुट्टी खाट भी लाई हो। अरे अब तो उस बेचारे का पीछा छोड़, ये भी सोच के महाजन का कर्ज किक्कर उतरेगा। वो ससुरा तो अब जमीन कुरक कराने की धमकी दे रहा। वही तो मैं कहूँ जी, अजी बहू कुछ ले दे के आती तो आज ये मुसीबत क्यों पड़ती। ते बार बार उसी के पीछे क्यों पड़े जा रहे। मैंने कह तो दिया कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, दहेज वाली नहीं। भाई मारी समझ में तो एक ही बात आवे, इब के ये कर्जा तो तेरी माँ के गहने बेच के उतार में। क्या कहो? तो जब जब फसल आगी तो गहने फिर बन जाएंगे। मेरे गहने बेच दोगे? शर्म तो नहीं आती? कह देती हूँ मेरे भरोसे मत रहना, मेरी जान भले ही चली जाए पर अपनी चांदी को हाथ नहीं लगाने देंगी। क्या बात है माँ? अरे कुछ नहीं बहू, छुटकी के ब्याह पे 3,000 का कर्जा लिया था, वही कर्जा 4 दिन में चुकाना है। और महाजन है कुर्की की धमकी दे रहा है, माँ है कि अपने गहने ही नहीं देती। पर तू चिंता ना कर बेटी, तू दिन भर की थकी हारी आई है, जा आराम कर। जी अच्छा। सुनिए क्या बात है? पता नहीं माँ और बापू बाहर बैठे हैं। सुनिए तो, अभी से पहले मैं अपनी आधी तनख्वाह बैंक में जमा करती थी, उसे ही निकाल के महाजन का कर्ज चुका दीजिए। नहीं नहीं, ये तुम्हारे रुपए हैं, तुम ही तो कहती थी तुम्हारा दहेज तुम्हारी शिक्षा है, रुपया पैसा नहीं। हाँ वो तो आज भी कहती हूँ, पर शिक्षा ने मुझे ये सिखाया कि घर में सुख दुख साझा होता है, मेरा तेरा नहीं। अच्छा, फसल आते ही तुम्हारे पैसे बैंक में वापिस जमा करवा दूंगा। तुमने सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं, गुना भी है। आमतौर से लोगों का कहना होता है कि पढ़ी लिखी बहू लाएंगे तो बेटे को माँ बाप से अलग कर देगी, पर आपने देखा कि ये बहू घर में काम करती है, बाहर काम करती है, और जब परिवार के सामने समस्या खड़ी हो गई तो कितनी आसानी से उसने